सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सो आज मैं बात करने वाला हूँ आप व्हाट्सअप की फोटोज वीडियो को आप किस तरीके से गैलरी के अंदर सेव कर सकते हो। सो नॉर्मली आप लोग जानते हो एक्चुअली व्हाट्सअप के अंदर कोई भी फोटो या वीडियो डाउनलोड करते हो एक्चुअली वो फोटो सिर्फ उससे व्हाट्सअप के अंदर मिलता है। जैसे कि देखो गाइस, मैंने व्हाट्सअप के अंदर एक्चुअली दो फोटो यहाँ पर डाउनलोड किया, पर मेरे फोन के अंदर बैक करके व्हाट्सअप से मेरे फोन के अंदर गैलरी एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि नोटिस करना, गैलरी के अंदर वो फोटो देखने के लिए नहीं मिलता है। मतलब एक्चुअली मैंने जो फोटो डाउनलोड किया गाइस वो फोटो सिर्फ उससे व्हाट्सअप के अंदर मिलता है, पर गैलरी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। सो अगर आपके फोन के अंदर इस तरीके से प्रॉब्लम मिलता है, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी फोटो या वीडियो डाउनलोड करते हो एक्चुअली वो फोटो सिर्फ उससे व्हाट्सएप के अंदर डाउनलोड होता है पर गैलरी के अंदर सेव नहीं होता है, अगर आप चाहते हो उन सारे फोटो को गैलरी के अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो कंप्लीट देखना। सो ये वाली सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले आपके फोन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग कर लेना। कौन सा सेटिंग आई बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपके व्हाट्सएप के ऊपर में थ्री लाइन में जाना है एंड इसके बाद आपको सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा, सेटिंग में जाना है। जैसे सेटिंग में जाओगे यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है, तो इनमें से एक ऑप्शन मिलता है चैट का गाइस, आपको चैट वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे चैट वाले ऑप्शन में जाओगे इसके अंदर बहुत सारे सेटिंग मिल जाएगा। सो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा मीडिया विजिबिलिटी, पहले से ये ऑप्शन अगर आपके फोन के अंदर ऑफ होता है तो आपको ये वाले ऑप्शन को सबसे पहले ऑन कर देना एंड इसके बाद आपको होम स्क्रीन के अंदर आ जाना है। आने के बाद आपको क्या करना है, एक्चुअली जिस भी चैट की फोटो वीडियो को गैलरी के अंदर सेव करना चाहते हो ऑटोमेटिकली आपको वो वाली चैट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, वो वाली चैट की टॉप पर क्लिक कर देना एंड इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे नीचे आओगे सो यहाँ पर वॉइस सेटिंग मिल जाएगा मीडिया विजिबिलिटी गाइस, आपको क्या करना है ये वाले सेटिंग के ऊपर आपको दोबारा क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे सो ये वाले सेटिंग पहले से अगर आपके फोन के अंदर नो सिलेक्ट होता है तो आपको क्या करना है येस और डिफॉल्ट में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर देना एंड इसके बाद वो वाली चैट के अंदर से आप जो भी कुछ डाउनलोड करोगे एक्चुअली वो फोटो वीडियो ऑटोमेटिकली गाइस आपकी गैलरी के अंदर से हो जाएगा। जैसे कि लाइव देखो, एक्चुअली मैं पहले से कुछ फोटो सेंड करके रखा था गाइस आप लोगों को लाइव दिखाने के लिए, मैं कोई भी फोटो यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ। जैसे कि देखो गाइस, इन दोनों फोटो एक्चुअली मैंने डाउनलोड किया एंड इसके बाद देखो गाइस दोनों फोटो डाउनलोड हो चुका है एंड इसके बाद इन दोनों फोटो को मैं व्हाट्सअप से बैक करके दिखा देता हूँ गाइस एक्चुअली इन दोनों फोटो मेरी गैलरी के अंदर सेव हुआ है कि नहीं। जैसे कि देखो गाइस, मैंने गैलरी एप्लीकेशन ओपन किया एंड यहाँ पर देखो गाइस सबसे पहले उन दोनों फोटो आ चुका है, जबकि पहले उन फोटो सेव नहीं हो रहा था गाइस। तो कुछ इस तरह से आप व्हाट्सअप की कोई भी फोटो वीडियो को गाइस आप ऑटोमेटिकली गैलरी के अंदर सेव कर सकते हो। सो अगर आप चाहते हो व्हाट्सअप के सारे चैट की फोटो वीडियो ऑटोमेटिकली गैलरी के अंदर सेव हो, तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना एंड ये वाली टिक सारे चैट के ऊपर अप्लाई कर लेना। मतलब सबसे पहले चैट ओपन कर लेना एंड टॉप पे क्लिक कर देना, स्क्रॉल करके नीचे आना है, मीडिया विजिबिलिटी का जो ऑप्शन मिलता है ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड अगर आपके फोन के अंदर मीडिया विजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऐसे नोटिफिकेशन होता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे में डिसअपीयरिंग मैसेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सबसे पहले डिसअपीयरिंग मैसेजेस को आपको ऑफ कर देना एंड इसके बाद दोबारा आपको मीडिया विजिबिलिटी वाले ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद आपको येस और डिफॉल्ट में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर देना एंड इसके बाद गाइस ये वाली टिक आपको सारे के सारे चैट के ऊपर अप्लाई कर लेना एंड इसके बाद नेक्स्ट टाइम कोई भी फोटो या वीडियो डाउनलोड करोगे ऑटोमेटिकली वो फोटो वीडियो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। सो आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर देना।